अभिलाष, अभिलाष, अभी तो ये लड़का नीरव से बात कर रहा था, अब अचानक से कहाँ खो गया? क्या हुआ इसे? हेलो हेलो अभिलाष, कहाँ खो गए तुम और आज इतना जल्दी आ गए? मैडम जी, मुझे को रिवार्ड के बारे में जानना था। ठीक है, कल से तुम थोड़ा और जल्दी आ जाना, तुम्हारा और नीरव का साथ में ले लूंगी। क्या मैडम जी? अरे वो मेरा नया बैच शुरू हो रहा है ना, तो तुम्हारा और नीरव का ट्यूशन मैं साथ में ले लूंगी। यस मैडम। और मैडम, रिवार्ड के बारे में? मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। जी मैडम। आर यू रेडी फॉर इट? यस मैडम। इस बार रिवार्ड मुझे ही मिलेगा, देख लेना तुम। ले लो ले लो, तुम्हें तो अब तक एक ही रिवार्ड मिला है। मैं तो बहुत कुछ कर चुका, मगर यार प्यास बाकी रह जाती है। बुक्स दिखाओ। देखिए आज किसको रिवॉर्ड मिलेगा। तुम आ जाओ। ये सही नहीं है मैम, इस बार रिवार्ड मुझे मिलना चाहिए था, अभी तक मुझको एक ही रिवार्ड मिला है। तो मेहनत करो। ये साला नीरव हर बार ऐसे ही करता है, हमेशा इसको एक दो मार्क मुझसे ज्यादा मिलते हैं। शिट। चलो फाइनली तुमने मेरे लिए टाइम तो निकाला।
मैंने कहा था ना दो स्टूडेंट्स है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल लूंगी। हाँ भाई हाँ कहा था तुमने। वैसे अब तुम उतने टेंशन में नहीं लग रही, क्या बात है? अभिलाष अब मेहनत करने लगा है, उसके मार्क्स अच्छे आने लगे हैं। देखा मैंने, ट्यूशन में भी जल्दी आ जाता है और नीरव के जाने के बाद भी ट्यूशन पर रुका रहता है। हाँ रोज ऐसे ही करता है वो। ध्यान देना कहीं दोनों में झगड़ा ही ना हो जाए। अच्छी बात है ना, फिर दोनों ज्यादा मेहनत करेंगे। तो यू आर एंजॉयिंग? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। सो इफ यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। लव यू बेबी। लव यू टू। चलो चलो लेट हो रहा है। हाँ, मैं फोन लेकर आती हूँ। फैमिली हां वी हैव डन इट। यस। तू अंदर। आज मुझे रिवॉर्ड मिला, मैंने आज वो टच किया, क्या मस्त था भाई। मेरा मतलब मेरा तो तब भी हो गया, मजा बहुत आया। अगली बार देखना मुझे ही रिवॉर्ड मिलेगा। मगर तुझे कैसे मिला, तेरे तो मेरे से कम मार्क्स थे। मैं मैम से बात करता हूँ। क्या बात है नीरव, आजकल पढ़ाई में मन नहीं है? मैम इस बार का रिवॉर्ड मेरा था, फिर आप अभिलाष को कैसे जल्दी आने दे सकते हो? मैंने पहले ही कहा था रिवॉर्ड के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अब अभिलाष तुमसे आगे होने लगा है। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मेरे ही मार्क्स ज्यादा होंगे। एक बड़े रिवॉर्ड की बात हो जाए। बड़ा रिवॉर्ड? अगर बड़ा रिवॉर्ड चाहिए तो क्या करना होगा मैम? जिसके भी फाइनल एग्जाम्स में 90+ मार्क्स आएंगे उसके साथ वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। तब तो मुझे ही करने मिलेगा। तुझे कैसे करने मिलेगा, तू तो कछुआ और खरगोश की रेस में आर गया। देखते हैं ना। इंटरेस्टिंग, दोनों के बीच में उसने कंपटीशन क्रिएट कर दिया। अब अभिलाष और नीरव उसके अटेंशन के लिए खूब मेहनत करेंगे। बट आई मस्ट गिव अ दिस, मुझे नहीं लगा था कि वो दिमाग का इस्तेमाल करेगी। मुझे लगा था शिक्षा शरीर से ही काम चला लेगी। अब क्या कह सकते हैं, अपनी अपनी सोच। एक मिनट, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आप सहमत है वो जो कुछ कर रही है उसके साथ सहमत है? इट्स राइट। नहीं, मेरे सहमत या असहमत होने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही विचार के तौर पे आपको क्या लगता है वो जो कर रही है सही है? कभी कभी। नो कभी कभी, आइदर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट। या तो आप सहमत है या नहीं है, कभी कभी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। नहीं नहीं, होती है कभी कभी। अब देखिए ना, शिक्षा चाहती है कि उसके पास आए डफस से डफस स्टूडेंट टॉप करे, तो इसमें बुराई क्या है? पर उसके प्रोसेस में है ना। अब देखिए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। नो,
देखो एजुकेशन बहुत जरूरी है, मार्क्स भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ साल बाद मार्क्स मायने नहीं रखते, पर इंटेलेक्ट इज इम्पोर्टेंट। बच्चे स्मार्ट बनते हैं, मार्क्स अच्छे आते तो यू नो स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस एक मिलता है। मैं सहमत हूँ आपसे। आप सहमत है ठीक। एनीवेज आगे बताइए क्या हुआ, कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ। आगे की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका अगला स्टूडेंट कौन है। अगले स्टूडेंट के बारे में अनदर डे मेरे क्लासेस का समय हो रहा है, अभी तो ये बता दो कि अभिलाष और नीरव का क्या। अभिलाष और नीरव का यूं है कि दोनों को ही सेम मार्क्स आए 94% और दोनों को ही इसका रिवॉर्ड मिला।